अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अभी दोपहर का वक्त हो गया है और अभी खाना पकाना है, तो अम्मी जान रोटी बना रही है। तो अब देखते हैं कि सालन कौन बनाएगा, मैं बनाऊंगी या अम्मी जान बनाएगी, अभी ये कुछ मालूम नहीं है। तो आप बताएं फ्रेंड्स, आपका दिन कैसा गुजर रहा है, आज आपकी रूटीन कौन सी है, क्या करेंगे आज आप, और आज के खाने में आप लोगों ने क्या सोचा है बनाने के लिए। अभी जैसे मैं सुबह उठी थी तो मेरा पेपर था, आप जानते हैं कि मैं एलएलबी कर रही हूँ, तो मेरा फोर्थ ईयर का पेपर था आज तीसरा। ये देखें, अभी अभी मैं फ्री होके आई हूँ, पेपर दे दिया है मैंने अपना। आप लोगों की दुआएं थी इस वजह से मेरा पेपर अच्छा हुआ है, ऐसे ही मुझे दुआएं करते रहें, सपोर्ट करते रहें। आप सुनाइए, आपका दिन कैसा गुजर रहा है, आज आप क्या बनाएंगे दोपहर के खाने में। तो अभी मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है कि मैं क्या बनाऊंगी, लेकिन खाना बनाना है, तो अभी मैं आपको अपना किचन दिखाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, किचन देखते हैं। ये हमारा वो एरिया जहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ, और यहाँ पे हम अपने बर्तन वगैरह रखते हैं, जो साफ करते हैं। और अब देखें, अम्मी जान रोटी बना रही है, अम्मी जान रोटी बनाती है, क्योंकि हमारे घर में अम्मी जान के हाथ की रोटी के अलावा कोई नहीं खाता। और यहाँ पे ये देखें मेरा ट्राइपॉड, जिसे मैं आपके लिए व्लॉग्स बनाती हूँ। और यहाँ पे देखें, ये हमारा चूल्हा, और यहाँ पे अम्मी जान अभी रोटी बनाएगी। तो देखिएगा कि अम्मी जान किस तरह से गोल रोटी बनाती है, इतनी प्यारी रोटी बनाएगी, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैं किचन में अम्मी के साथ ही हूँ, ये रही मेरी अम्मी जान। और देखें फ्रेंड्स, अभी अम्मी जान की रोटी बन रही है, ये देखें माशाल्लाह से कितनी गोल है और कितनी प्यारी रोटी अम्मी बनाती है ना, इतनी नरम रोटी होती है, क्योंकि अम्मी जान ना आटा बहुत अच्छी तरह से ना गूंथती है, तकरीब बहुत अच्छी रोटी अम्मी बनाती है, इतनी नरम होती है, बहुत ज्यादा मजेदार होती है, खाने में भी मजा आता है, मतलब दिल करता है कि जितनी रोटी खाओ तो बस खाते ही जाओ। मेरे घर में कोई भी ना मेरे हाथ की रोटी नहीं खाता है, मैं जब भी रोटी बनाती हूँ सब कहते हैं कि नहीं हमें तो रोटी खानी ही नहीं है। और अभी देखें, हमारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। सुबह पता है क्या था, सुबह मुझे जाना था एग्जाम देने, तो ये रही हमारी कार, हमारी गाड़ी। तो ये देखें, जैसे ही मैं कार में बैठ गई, ये देखें यहाँ का टायर पंचर, ओह माय गॉड, इतनी मुझे सुबह सुबह हंसी आ रही थी। मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसे टायर पंचर हो गया। सारी रात मैंने सोचा था कि सुबह जाऊंगी गाड़ी पे जाऊंगी, पेपर देके सुकून से आ जाऊंगी, पता है फिर क्या हुआ, फिर मैं पैदल गई हूँ, बाइक पे भी नहीं गई मैं। अब सोच रहे होंगे कि बाइक पे क्यों नहीं गई मैं, क्योंकि मैं गुस्सा हो गई थी कि क्यों कार क्यों खराब हो गई अचानक से, कार को खराब नहीं होना था ना। तो बस इस वजह से मैं गुस्से में ना अपने पप्पा के साथ, अपने पप्पा जाने के साथ मैं चली गई, फिर मैंने पेपर दिया। और पता है आज ना पेपर में एक्सटर्नल आए थे, तो वो कह रहे थे कि सब लोग ना अपने मोबाइल से बाहर निकालो। मैंने कहा कि हमारे पास मोबाइल ही नहीं, क्योंकि मैं तो कॉपी करती नहीं हूँ, हमेशा अपनी मेहनत से ही ना आगे बढ़ी हूँ, बिल्कुल भी कॉपी नहीं करती मैं। और तो और हमारे जो प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इतना हमारा अच्छा कॉलेज है, सर तो किसी को कॉपी नहीं करने देते हैं और बाकी स्टूडेंट्स भी कॉपी नहीं करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कॉपी चल रही है। फिर पता ही क्या हुआ, फिर जैसे ही एक्सटर्नल मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जल्दी से अपनी स्लिप दिखाओ। मैंने स्लिप दिखा दी, तो उन्होंने पूछा कि मुझे अपना ना CNIC बताओ। मैंने यूं 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 आपकी सुअर ने यूं करके चुटकी बजा के उसको CNIC बता दिया अपना। फिर पता है मुझे देख रहा था कि इतनी मतलब कॉन्फिडेंस से लड़की बैठी हुई है, अब इससे तो मुझे सवाल करने ही करने, पता है। तो फिर आज हमारा मर्केंटाइल का पेपर था, तो सब पूछ रहे थे, मतलब सर ने पूछा कि आप मुझे बताओगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होती है, और उसके अलावा मतलब ना काइंस पूछ रहे थे। तो मैंने कहा कि सर मैं आपको बता देती हूँ कौन सा मसला। तो सर ने कहा इतना बड़ा पेपर तुमने भर लिया है इतनी जल्दी से, अब बताओगी कि तुमने क्या लिखा है। मैंने तो यूं इतनी स्पीड से उसको बताया कि सर ने बोला वाह वेल डन, तुम तो पक्का आगे जाके ना जज बनोगी, इतनी होशियार हो। तो मैंने कहा अल्लाह, वो तो मैं वैसे भी होशियार हूँ आज ना। तो एक्सटर्नल ने मेरी बहुत तारीफ की, बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई, और सारे स्टूडेंट्स की ना फिर सर्चिंग हुई, तो किसी के पास भी मोबाइल नहीं निकला था, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामले में, क्योंकि वो बेचारे हमें इतना पढ़ाते हैं, इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, तो ज़रूरी है ना कि हम कॉपी नहीं करें। तो हम में से किसी ने भी कॉपी नहीं की, अच्छे से ना हमारा पेपर हो गया। फिर जैसे ही मैं पेपर दे के आ गई, तो अभी मैं सुकून से बैठी थी,
तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ना ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, और भी घर के बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मुझे कपड़े इस्त्री करने हैं, वो भी नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ना काम है। कोई एक काम हो तो मैं आपको बताऊँ ना, अभी सेफ की मतलब सेटिंग करनी है, वो नहीं किए बहुत दिनों से, और शोकेस की सफाई करनी है, वो भी नहीं किए, क्योंकि अम्मी जान मेरी ना बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, बहुत ज़्यादा, मतलब हल्की सी भी धूल उनको नज़र आ गई ना फिर समझे मेरी पिटाई तो होनी ही होनी है। बहुत ज़्यादा मुझे अम्मी जान मारती है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब अम्मी का हाथ ऐसे लगता है ना मैं बस मुझे सुकून आ जाता है, पता है। फिर अम्मी जान ना मुझसे प्यार भी बहुत करती है, पता है क्या होता है, अम्मी जान कहती है बताओ तुम्हारे यूट्यूब पे कितने वॉच टाइम हुए हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं, जल्दी से मुझे दिखाओ। तो अम्मी को मैं दिखाती हूँ, इतना प्यार करती है मुझे, यहाँ से पप्पी, यहाँ से झप्पियाँ छप्पियाँ पाती रहती है, गले रहती है, गले मिलती है अम्मी जान, तो अम्मी जान बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि अम्मी जान कहती है कि एक दिन तुम इंशाल्लाह ना सक्सेसफुल यूट्यूबर बनोगी। और पता है मतलब जब हम बच्चों के साथ ना अपने माँ बाप की दुआएं होती हैं ना, तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि जब मतलब ना हमारी अम्मियाँ जब वो दुआ करती हैं ना, जब वो दुआ के लिए हाथ उठाती है अपने बच्चे के लिए, तो वो जो दुआ होती है ना, फरिश्ते ज़मीन से लेके सातवें आसमान तक ना वो दुआ लेके जाते हैं, और अल्लाह पाक को बताते हैं कि अल्लाह हमारे जो बंदे हैं ना दुनिया के इस कोने में, ये माँ बेटी हुई है जो अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए हाथ उठा के उसने दुआएं किए, फिर बस वाह भाई वाह, क्या उस बच्चे के नसीब खुल जाते हैं। और अम्मी जान तो मुझसे ना घर का इतना काम भी नहीं करवाती है, सारा काम अम्मी जान खुद कर लेती है, बस थोड़ा बहुत जो काम होता है एक दो जोड़े मुझे इस्त्री करने के लिए देती है, और सारे खुद कर लेती है, और उसके अलावा जो भी काम होता है ना अम्मी जान खुद ही करती है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं करवाती। अम्मी जान कहती है कि नहीं मेरी बेटी तो मेरी लाडली है ना, ये काम नहीं करेगी। सुबह को अम्मी जान 5 बजे उठती है, मतलब ना अल्लाह पाक को याद करती है, कुरान वगैरह पढ़ती है, तस्बीह पढ़ती है, और उसके बाद फिर अम्मी जान को ऑफिस भी जाना होता है। अम्मी जान माशाल्लाह से एडवोकेट भी हैं और साथ ही साथ ना सुपरवाइज़र हैं हेल्थ में, तो अम्मी जान को बहुत ज़्यादा काम करने को होता है, लेकिन अम्मी जान ना सारा काम करके सारे घर को सेट करके फिर मुझे नींद से जगाती है, ऐसे तो मुझे जगाती नहीं है। हाँ कोई मेरा पेपर हो या कोई इमरजेंसी हो जाए, अम्मी जान को जल्दी जाना हो ड्यूटी पे, तब भी मुझे जगाती है, वरना अम्मी जान तो मुझे जगाती भी नहीं है। बस अल्लाह पाक हर बेटी को ऐसी माँ दे, और हर किसी का नसीब इतना ही अच्छा हो कि उसके पास ऐसी माँ हो। मैं इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खुश नसीब बेटी हूँ, क्योंकि मेरे पास अम्मी जान है। अब अम्मी जान के ऊपर क्या क्या बताऊँ मैं आपको, क्या क्या बोलूँ, अगर बोलने पे बैठूँगी मैं तो सारी ज़िंदगी ना बातें ख़त्म नहीं होगी अम्मी जान की। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने आगे के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं दिखाऊँगी कि दोपहर के खाने में क्या बन रहा है, हमने क्या खाया, जो भी हो। फिश का सालन है, सालन को गरम कर रही है, ये है फिश का सालन जो अम्मी ने कल रात बनाया था, तो अभी हम ये गरम कर रहे हैं। ये कल रात को ये भी बनाया था हमने, क्योंकि हमारे घर में कुछ मेहमान आए थे, तो अम्मी जान बोल रही कि अभी और कुछ नहीं बनाओ, बस ये है, तो ये ज़ाया हो जाएगा ना, फिर अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएंगे, तो बस इसी को गरम करके ना फिर हम अभी खाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने लिए ये जैम मंगवाया है, ये मेरा फेवरेट जैम है, यही जैम मैं खाती हूँ सुबह में, ब्रेड के साथ ना ये खाती हूँ, क्योंकि मैं डाइट बस 2 ब्रेड खा लेती हूँ, और उसके साथ ये ना 1 टेबल स्पून से भी कम, मतलब ये समझें कि 2 टीस्पून जितना ना मैं बस जैम लगा के वो खा लेती हूँ। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है तो वो कह रही है कि नहीं मतलब आप ही मुझे ना आलू बना के दें, आप भले ही खाना गर्म करके खाओ लेकिन मुझे मतलब ना फ्रेश आलू बना के दो, तो अभी उसके लिए मैं फ्रेश आलू भी बनाऊँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा आप बताइए आपका आज का दिन कैसा गुजर रहा है, क्या कर रहे हैं आज आप। फ्रेंड्स देखें, माशाल्लाह से अम्मी जान ने ये जो हमारा कीमा था ना उसको अम्मी जान ने अच्छी तरह से सेट किया है, फिर इसमें ना अपने हिसाब से नमक मिर्ची काली मिर्ची हरी मिर्ची धनिया सब ना अम्मी जान ने ऐड कर दिए। अम्मी जान ये मसाला ऐड कर रही हैं क्या? नेशनल का मुर्गी का मसाला। वाह वाह, तो सुना आपने, अम्मी जान ने ये मसाला ऐड किया हुआ है, ये देखें अभी अम्मी जान ना जार में उतार रही है मसाला से, ये अम्मी जान ने मसाला ऐड किया है, तो सोचिए कितना शानदार जायका आया होगा, वाह क्या खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, खाने में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखें बस अम्मी जान मसाला से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं, किस तरह से ना जो ये जो कीमा था उसको एक और शक्ल दे दी, मसाला से पूरा जायका ही चेंज कर दिया, क्योंकि पहले मैंने अपने हिसाब से बनाया था कल, तो अभी देखें ये अम्मी जान ने बनाया मुबारक है।
तो अभी हम ये खाएंगे। अम्मी जान ने रोटी भी अम्मी जान ने बनाई है, तो अभी कीमा खाने में बहुत मजा आएगा। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मी जान ने इसको डिश आउट कर दिया। ये देखें कैसे धुआं चल रहा है ना अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है माशाल्लाह से। तो ये देखें, ये हमारे बीबी अभी अम्मी जान इनको गर्म करेगी। फ्रेंड्स अभी पापा जान हमारे लिए आम लेके आए हैं, तो अभी पापा जान इनको साफ कर रहे हैं। ये देखें, फिर ये रखेंगे इस प्लेट में और ये प्लेट जाएगी फ्रिज में, और जब आम ठंडे हो जाएंगे तो ये जाएंगे हमारे पेट में। अभी अभी पापा जान बाहर से आए हैं और ये लेके आए। ये देखें हमारे जो आम थे वो अच्छी तरह से साफ हो गए हैं, तो चलिए अब हम इनको ना फ्रिज में रख देते हैं। पापा ने कहा कि मैं बाहर से आया हूँ, बहुत गर्मी है, तो बस जल्दी से ना आप जाके फ्रिज में रख के आए। तो ये देखें हमारी फ्रिज, तो अभी मैं यहाँ पे मैंगोज को रख रही हूँ। तो एक काम करती हूँ कि कुछ ना मैंगोज यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ पे जल्दी से ना ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि अभी दोपहर का खाना भी खाना है हमें। तो बस ये यहाँ पे रख देती हूँ जल्दी से। अच्छा बस दो आम ही ठीक है नीचे, फिर ये रात को ना काम आएंगे। रात को मैं चावल बनाऊंगी तो उसके साथ आम खाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने दही मंगवाई है, क्योंकि आज मैं आपके साथ मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करूंगी। और ये हमारा कीमा पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी बर्फ जमी है। तो देखें फ्रेंड्स, अभी अम्मी जान अपने लिए कीमा निकाल रही है, तो अभी अम्मी जान खाएंगी। यहाँ पे ये देखें अम्मी जान ने भी गर्म कर दिए हैं, और ये रहा हमारा कीमा माशाल्लाह से, खूबसूरत कीमा, शानदार कीमा। फ्रेंड्स ये देखें, अभी मेरे पप्पा जानी मुझे आलू छील के दे रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथों में तकलीफ है, ये देखें जख्म है, तो मैं नहीं कर सकती। तो पप्पा ने कहा कि आप नहीं करो, मैं आपको काट के देता हूँ ना। तो ये देखें अभी पप्पा जानी हमारे आलू कट कर रहे हैं, तो जैसे ही पप्पा जान आलू कट कर लेंगे तो फिर मैं इनको पकाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे साथ रहिएगा ब्लॉग में, आपको कहीं नहीं जाना है। अभी मेरे पापा ने आलू छील लिए हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से आलू कटिंग की है। रुकिए मैं आपको दिखा दूं कि पापा ने किस तरह से आलू कट किए। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से पापा ने इनको कट कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम इनको बनाएंगे। तो मैं कढ़ाई ले लेती हूँ, ठीक है, तो उसमें फिर मैं ऑयल वगैरह डालूंगी, तो सारा प्रोसीजर आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। और ये देखें आज मैंने ब्लू कलर का ड्रेस पहना है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो आज मैंने सोचा कि ब्लू कलर के ड्रेस में हम ब्लॉग बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं कढ़ाई ले लूँ, फिर उसमें ऑयल डालूँ, फिर आपको ना बाकी की रेसिपी बता दूँ कि जब मैं आलू फ्राई करती हूँ तो उसमें कौन सी चीजें ऐड करती हूँ, क्यों मेरे आलू इतने ज्यादा जबरदस्त बनते हैं, इतने खुशबूदार बनते हैं। अभी मैंने अपना जो मेरा चूल्हा है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और अभी मैंने यहाँ पे कढ़ाई भी रख दी है। तो अभी मैं इसमें ना ऑयल डालूंगी। ये जो हमारे आलू हैं तकरीबन आधा केजी है, मैंने आलू लिए हैं, जो उनकी क्वांटिटी है वो हाफ केजी है, तो ये हमारे हो गए आधा केजी आलू। तो अब इसमें जो मैं ऑयल डालूंगी वो तकरीबन 6 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। तो अभी देखिए मैं कढ़ाई में 6 टेबलस्पून ऑयल डाल के फिर आपको दिखाऊंगी आगे का प्रोसीजर। स्पून ना ऑयल डाल दिया है, तो जब तक ये हमारा ऑयल गर्म होगा उसके बाद ही हमें ना इसमें आलू ऐड करने। अगर आप चाहते हैं कि आपके आलू बहुत ही ज्यादा शानदार बने जिस तरह से मेरी रेसिपीज होती हैं, तो आपको ये करना होगा कि आपको ना अच्छी तरह से पहले ऑयल को गर्म करना है, ठीक है। अगर आप ऐसे ही मतलब ना आलू डाल देंगे तो फिर वो मजा नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें अपनी नमी होती है, इनका अपना पानी होता है, फिर वो जैसे कढ़ाई से लगेंगे तो ये चिपक जाएंगे आपस में, और फिर ना इतने अच्छे से नहीं बनेंगे। तो देखिए अभी मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और अभी ये गर्म हो रहा है ऑयल। जैसे ही हमारा ये ऑयल गर्म हो जाएगा हम जल्दी से ये इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स अभी मैंने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया ले लिया है, ये जो ड्राइड सूखा धनिया होता है ना, ये देखिए ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लिया है हाफ के जी आलू के लिए। ये ही जान होती है ना जब हमारे आलू फ्राई होते हैं ना, तो ये उस रेसिपी की जान होती है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं इसमें डाल रही हूँ और अभी मैं इसको अच्छी तरह से कूटूंगी। तो ये जो इसकी खुशबू होती है ना बहुत ज्यादा है, मतलब ना अच्छी खुशबू आ जाती है जब हमारे ना आलू फ्राई होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब कूट रही हूँ। आपको इसको बिल्कुल ना बारीक काटना है, क्योंकि फिर जब अगर इसके ना हल्का भी दाना आपके मुंह में आ गया तो मतलब यूं समझे कि आपका ना कड़वा टेस्ट हो जाएगा। वैसे तो इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा कि आपको ना
अच्छी तरह से इसको कूटना है। तो ये देखिए अभी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं ये शामिल कर दूंगी। अभी हमने आलू शामिल कर दिए, तो अभी मैं यहाँ पे ये जो हमारे सूखे धनिया है उनको मैं कूट रही हूँ, तो इनको अच्छी तरह से हम कूटेंगे। बिल्कुल ना बारीक हमें काट देना है, ठीक है? तो हम इसको बारीक काटेंगे। ये हो गए हमारे जो सूखे धनिया थे वो मैंने इनको कट कर दिया है। अच्छी तरह से मैंने सूखा धनिया को ना कुटाई कर दी है, तो अभी ये भी इसमें शामिल करनी है। और उसके अलावा एक मेन चीज, हाफ के जी में तकरीबन वन टी स्पून के मुताबिक ना आपको काली मिर्ची ऐड करनी है। तो अभी मैं इसमें काली मिर्ची रख रही हूँ, तो अभी मैं इसको अच्छी तरह से इसकी भी कुटाई करूंगी, इसको अच्छी तरह से कूटूंगी। तो इसे सारी चेंज कर रही हूँ, इसे ही पकाऊंगी। तो अभी मैंने जो काली मिर्ची ऐड की थी मैं उसको कूट रही हूँ। अच्छी तरह से हमारे सूखे धनिया और काली मिर्च को हमने अच्छी तरह से कूट लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ। अब ये शामिल करने के बाद हम इसमें नमक और ना तो नमक और हम इसमें मुर्गी का जो मसाला होता है नेशनल कंपनी का, आप जानते हैं कि मैं नेशनल यूज करती हूँ, तो तकरीबन 2 टीस्पून के जितना हमें ना इसमें नमक डालना है। रख देती हूँ, पैकेट से निकाल लेती हूँ। तो अभी हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून का ना मसाला ऐड कर देंगे। मैंने नमक इसलिए कम शामिल किया है क्योंकि ये जो मसाले होते हैं इनमें अपना नमक होता है, तो अगर आप इसमें और ज्यादा नमक मतलब ऐड करेंगे तो कड़वा हो जाएगा ना खाने का टेस्ट। हमारे ना हाफ तकरीबन आलू बन गए थे, तो अभी मैंने इसमें हरी धनिया और हरी मिर्ची डाल दी है। अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्ची ऐड करूंगी। इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आपस में। तो अभी मैं तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी दम पे। तो अभी हम इसको दम पे रख रहे हैं। हल्की सी आंच पे इसको छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर हम आएंगे और हमारे आलू डन हो चुके होंगे माशाल्लाह से। ये देखें हमारे आलू डन हो चुके हैं, कितने प्यारे, कितने शानदार, कितने यमी हुए हैं। तो आपको भी इस तरह से रेसिपी ट्राई करनी है। और आज के व्लॉग में आपको मैं एक दूसरी चीज भी बनाना सिखाऊंगी, मैक्रोनी, टिक्का मैक्रोनी। तो मेरे साथ रहिएगा व्लॉग में। अभी हम दोपहर खाना खा रहे हैं, तो ये देखें आलू और ये आम हम खा रहे हैं। तो शाम में मिलते हैं मैक्रोनी की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी शाम हो गई है, तो आपको मैंने कहा था कि मैं आपको मैक्रोनी बनाना सिखाऊंगी। तो ये है बैक पॉलर की टिक्का मैक्रोनी, सबसे बेस्ट मैक्रोनी, बेस्ट कंपनी एवर। इसका फ्लेवर माशाल्लाह से बहुत अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये कंटेनर में पानी ले लिया है। ये एक मैक्रोनी है मेरे पास, एक पैकेट है, तो उस हिसाब से मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिए हैं। अब हम मैक्रोनी को इसमें डालेंगे जब ये बॉयल हो जाएगा ना, जब पानी में थोड़ा सा बॉयल आने लगेगा तो हम इसमें। यहाँ पे मैंने प्याज भी काट के रख दिया है, एक कदर प्याज था बड़े साइज़ का, क्योंकि हमारा एक पैकेट मैक्रोनी है, तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज़ का ना प्याज ले लिया है। और उसके अलावा रात के लिए मैंने चावल भिगोए हैं,
चावल बनाऊंगी, हो सकता है कि आलू भी फ्राई करूं और उसके साथ मैंगोस के साथ हम खाएंगे। अभी मैंने मैक्रोनी को अनबॉक्स कर लिया है, तो ये रही हमारी मैक्रोनी जो कि 250 ग्राम की मैक्रोनी होती है और उसके साथ ये इसका साशे में मसाला आता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए, तो अभी हम मैक्रोनी पानी में शामिल कर देंगे। देखिए पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है, अब हम ये सारी मैक्रोनी इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे ताकि मैक्रोनी में अच्छी तरह से ना जायका आ जाए। अभी हमारी मैक्रोनी तकरीबन हाफ डन हो गई है और तकरीबन 5 मिनट के बाद ये कंप्लीट डन हो जाएगी। आपको तकरीबन 10-15 मिनट तक इसको पकने देना है और फिर चेक करते रहिएगा कि मैक्रोनी कितनी बनी है। अभी 5 मिनट हो गए हैं, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकने दिया है, अब ये कम्प्लीटली कुक हो गई हैं। मैं जो एक्स्ट्रा पानी है वो मैं ड्रेन कर रही हूँ। अभी मैंने कढ़ाई ली है और उसमें मैं 4 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल डाला है। अभी मैंने कढ़ाई ली है और उसमें मैंने तकरीबन 4 स्पून ऑयल डाला है। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। प्याज मैंने लिया है एक बड़े साइज का और टमाटर भी लिया है एक बड़े साइज का और उसके साथ थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची भी ली है। गर्म हो चुका है, मैंने इसमें प्याज ऐड करनी है तो मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। अब ये हमारे प्याज ऐड हो गए हैं, अब मैं इनको तब तक पकाऊंगी जब तक ये डार्क गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अभी हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो अब मैं इसमें ये टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करूंगी। तकरीबन 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची। अब इन सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है आपस में, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारे जो ये टमाटर हैं वो प्याज के साथ ना घुल जाएं, मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। तो चलिए अभी हम ये कवर करके रख देते हैं, तकरीबन 5 मिनट के लिए रखूंगी फिर मैं। अभी हमारे प्याज और टमाटर अच्छी तरह से बन गए हैं तो अभी मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। दही तकरीबन जो मेरी थी वो है 200 ग्राम। अब इस पॉइंट पे आके मैं ये मसाला ऐड करूंगी जो हमारा मैक्रोनी के साथ में ही मिलता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ताकि अच्छी तरह से ना ये सारी चीजें आपस में पक जाए। अभी मैं इसमें ये मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। सॉरी थोड़ी वीडियो ना स्किप हो गई है मुझसे, तो मैं इसको मिक्स करते वक्त वीडियो नहीं बना सकी। तो देखिए अभी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और तकरीबन 2-3 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी और फिर डिश आउट कर दूंगी। ये हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई है। मैंने मैक्रोनी डिश आउट कर दी है, अभी मैंने मैक्रोनी डिश आउट कर दी है तो देखिए मसाला से कितनी अच्छी बनी है। और यहाँ पे मैंने सर्व भी कर दी है अम्मी के लिए और सिस्टर के लिए, और ये रही मेरी मैक्रोनी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।